मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, आज मैं आपको मैट स्टिच सिखाने जा रही हूँ, वो इस तरह बनती है। इसको ध्यान ये देना, बिल्कुल सीधा धागा जहाँ पे आए वहीं पे लेना। कोई भी फूल पत्ती जो आपको पसंद हो वो अपनी बना ले। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे लीजिए। ऐसे ये पूरी पत्ती भर जाएगी। थोड़ा सा दूर पहले ताकि इसको भरने में आसानी रहेगी। कलर आप अपने हिसाब से ले लें, डिजाइन भी अपने हिसाब से, जैसी आपको पसंद हो। इसी तरीके से पूरा फूल बना लिया जाएगा। ये बन गया, ऐसे इधर से भर लो। ऐसे करते पूरा फूल बना लिया जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना कि धागा बिल्कुल सीधा आए। जैसे मैंने ये बनाया था वैसे मैंने पूरा बना लिया। अब मैं आपको मैट बनाना सिखाऊंगी। मैट इस तरह बनेगी, दो धागे हैं, इनके ऊपर से लो और इनके नीचे से लो। याद करके गिन के उठाना, दो के ऊपर से और फिर दो के नीचे से, फिर दो के ऊपर से और फिर दो के नीचे से। इसी तरीके से पूरा बनाते चले जाएंगे। ये बन गया। अब इसके ये इसका एक छूट गया, ये अब इसके ऊपर से दोनों के इसको पहले कस लेंगे ऐसे और फिर इसके ऊपर से इस तरह ले लेंगे ऐसे और फिर वही क्रम करेंगे। अब इसके इस तरीके से निकालेंगे। अब पहले इसके ऊपर से लिया था, अब की बार इसके नीचे से लेंगे और फिर इसके ऊपर से फिर इसके नीचे से इस तरीके, फिर इसके ऊपर से फिर इसके नीचे से इस तरह बनाएंगे।
ये देखिए, और फिर इसके ऊपर से ले, इसके नीचे से था आपके ऊपर से ले लेंगे। फिर इसके ऊपर से, इनके दोनों के नीचे से, ये देखिए, और फिर इसको कपड़े के नीचे से निकाल दें। जैसे मैंने ये बनाया है उसी तरीके से इसको बनाते हुए अब मैं आपको ख़त्म करना बता रही हूँ कि ये ख़त्म कैसे होगा। अब इसके नीचे जिसके ऊपर से लिए उसके नीचे से इस तरीके से, और जिसके नीचे से उसके ऊपर से इस तरह बना के चले जाएंगे, और फिर इसको इसके से नीचे दबा देंगे इस तरीके से ऐसे, और फिर उसी क्रम से चालू करेंगे। अब इसके पहले ऊपर से लिया था, अब की बार इसके ऊपर से लेंगे और इसके नीचे से ले लेंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर से इस सुई से नीचे निकाल देंगे। इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा पूरा। ये मेरा फूल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से पत्तियाँ बना लेंगे, पत्ती भी ऐसे ही बनाएंगे मेट स्टिच से इस तरीके से। इसको इसे निकालेंगे, कसते जाएंगे, ये जहाँ पे आ रहा वहीं से फिर ले लेंगे दोबारा। इनसे फिर लेकर के इस तरीके से पूरी पत्ती बना लेंगे। जैसे मैंने फूल बनाया है वैसे ही पत्तियां बना लेंगे। अब पत्तियों को ऊपर से इस तरह भरेंगे, दो के ऊपर से उठाएंगे ऐसे, और फिर दो के, ये दो के नीचे से लिए आपकी बार दो के ऊपर से, और फिर ये दो के नीचे से इस तरीके से। अब इसके ऊपर से लिए, अब इसके नीचे से लेंगे और फिर इसके ऊपर से ले लेंगे, दो ही दो उठाएंगे ऐसे, और फिर इन दो के नीचे से, और इनके इनके ऊपर से और इनके नीचे से इस तरीके से, और फिर ये जो है इसके ऊपर से लिए से करके ये इसको खींच लेंगे कस के सीधा एकदम ऐसे, जहाँ पे आएगा वहीं पे खींच के इस सुई नीचे करके इस तरीके से निकाल देंगे, और फिर यही क्रम फिर रखेंगे। ये फूल और पत्ती बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसकी डाल बता रही हूँ। डाल इसकी चैन स्टिच से बनेगी। आप चाहें तो स्टेम स्टिच या हेरिंग बोन किसी से भी बना लें, आपको जो पसंद हो। पिछले वीडियो में मेरा पढ़ा है, आप देख लें। और कल मैं आपको फुलकारी स्टिच बनाना सिखाऊंगी, तो मेरे वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। इसी तरीके से पूरी डाल बना लेंगे चैन स्टिच से, और जो पत्तियों का ये है इसको भी बना लेंगे।
ये फूल बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बीच में आपको चैन से चैन नॉट बनाना बता रही हूँ। चैन नॉट इस तरह बनती है, पहले इसमें चैन बना लो, उसी चैन से इस तरीके से। ये बनके तैयार हो गया, ये फूल बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।